भीलवाड़ा शहर के पास गुजरने वाली कोठारी नदी पर सोमवार को अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान न्यास के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस का भारी जाप्ता तैनात रहा। इस दौरान कोठारी नदी के पास स्थित जोरदास चौराहे के निकट एक चबूतरे नुमा पौराणिक आस्था स्थल था, जिसको लेकर नगर विकास न्यास के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के दौरान तोड़ दिया था। घटना की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन व अन्य लोगों में आक्रोश फैल गया और सोमवार शाम ही प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी कि इस पौराणिक स्थल का पुनर्निर्माण किया जाए। मगर आज निर्माण पुनः शुरू नहीं होने के कारण भाजपा के राजनेता उदयलाल बडाना के नेतृत्व में आस्था के स्थल पर ही टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर विकास न्यास द्वारा जो सोमवार को अतिक्रमण हटाया गया, इस दौरान हमारे पौराणिक आस्था स्थल को तोड़ दिया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान हमारे को पता चला तो हमने इन अधिकारियों को अवगत कराया था, जहां अधिकारियों ने कहा कि आस्था के स्थल का पूर्ण निर्माण करवा दिया जाएगा, लेकिन आज निर्माण नहीं कराने के कारण हम यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और हमारी मांग है कि आस्था के स्थल को पुनः निर्माण करवाने के साथ ही जो पौराणिक राजस्व जमाबंदी में यहाँ जमीन इस धार्मिक स्थल के नाम है, उस जमीन पर भी दीवारी का निर्माण किया जाए। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम यहां लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। पहली बात तो यह है कि कल जो कार्रवाई हुई है, अतिक्रमण हटाए, ये यूआईटी का काम हटाए, लेकिन एक मंदिर बना हुआ है, उस पे मूर्तियां लगी हुई है, प्राचीन मंदिर, उसको हटाना गैरकानूनी था, गलत काम था। और यह यहाँ 400 साल पहले जोधराज गांव कहते हैं यहीं बसा हुआ था, फिर नदी में बाढ़ वाड़ आने से गांव उधर चला गया, लेकिन धार्मिक स्थल तो यहीं था। लेकिन जो हटाया वो बिल्कुल असहनीय था, अशोभनीय था, गांव वालों के अंदर बवाल था। हम भी यहाँ आए, हमने भी प्रशासन से कहा और ये कि भाई ये गलत हटाया आपने, फिर उन्होंने ये भी स्वीकार किया यूआईटी ने और प्रशासन ने कि हाँ हम गलत फहमी हट गया, दूसरे अतिक्रमण हटाने के चक्कर में हमने कहा वापस बनाया जाए उसको। तो उन्होंने रात को इस बात के लिए पूर्णतया सहमति प्रकट कर दी थी, लेकिन सुबह मंदिर की लंबाई चौड़ाई या इसको लेके और विवाद था। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे गुजर समाज के या अपने जो गांव हैं पूरा जोड़ना वहाँ के लोगों ने और हमारे उदयलाल जी बडाना है, नंदी है और है, सबने मिल के और प्रशासन से बात की। मैंने भी वहीं से, क्योंकि मेरा आज थोड़ा पारिवारिक काम तो एकदम दिल्ली नहीं आया, पर मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर ली और ये मामला अब निपट चुका है, यह मंदिर बन जाएगा वापस और बाकी जगह में भी जो फेंसिंग लगानी है, जो पौधे लगाने वो लग जाएंगे। तो अब इसका विवाद मैं सोचता हूँ नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, अब तो सबने सर्वसम्मति से संतुष्टि से ये काम किया। हाँ काम तो ठीक हुआ, लेकिन तोड़ा वो गलत हुआ, लेकिन अब होना जो तो हो गया और वापस प्रशासन यूआईटी बना रही है जो मंदिर और चबूतरा सारा रही है, जो वायर फेंसिंग करके जो हमारी 4200 फीट थी उसमें ज्यादा जगह वो जनसेवा कर रहे हैं, हमारे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारा जो स्थान है उसको तोड़ा वो निंदनीय था, गलत था। लेकिन हमारी प्रशासन के बातचीत हो गई, जो हम इससे संतुष्ट हैं, पूरे गाँव वाले आस पड़ोस के सब लोग, वापस अगर बनाने में कोई तकलीफ, ये जो फैसला इस पे अडिग रहे, ऐसा नहीं कि इस पे भी हमारे को भेज कर कोई गलती कर दे तो फिर आंदोलन होगा। लेकिन जो प्रशासन ने हमारे को आश्वासन दिया, प्रशासन ने हमारा जो आश्वासन दिया उस पर खड़ा रहेगा, तो हम उनका स्वागत जिस वापस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उनको बुलाकर उनका सम्मान भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे, और नहीं करेंगे मान लो धोखा करेंगे तो फिर आंदोलन खड़ा हो सकता है। विकास न्यास द्वारा कल जो पहले कलेक्टर साहब ने भी दौरा किया था, अतिक्रमण का अहम मुद्दा था, हटाया गया, कुछ लोगों ने कहा कि आस्था का केंद्र था पुराने, क्या पूरा मामला? एनजीटी कोर्ट के आदेश से और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से कोठारी नदी के आसपास जो एनक्रोचमेंट है उनको हटाने की कार्रवाई कल न्यास के द्वारा की गई थी। उसके पूर्व न्यास द्वारा 3 दिन पहले सर्वे भी किया गया था और अतिक्रमियों को चिन्हित भी किया गया था। उसी के क्रम में कल एनक्रोचमेंट हटाया गया, उसमें एक जो चबूतरा है वो भी अतिक्रमण के अंदर हटा है, क्योंकि जमीन न्यास की थी और न्यास ने अपने ही क्षेत्राधिकार के अंदर एनक्रोचमेंट हटाए हैं। लेकिन उसके विरोध में कुछ लोगों ने यहाँ धरना दिया, गुजर समाज के कुछ लोगों ने, तो लोगों की भावनाओं को देखते हुए मतलब न्यास ने ये निर्णय लिया है कि वो उसी जगह के ऊपर वापस उनको चबूतरा बनाएंगे। अच्छा, पहले जो वर्तमान पहले स्थिति थी जो वो स्थिति वापस कर देंगे जिससे मामला सुलझ गया? जी, मैं जोधड़ांस का रेवाड़ा हाँ, माँ कहते हैं खेड़ाकूट माता जी को 400 साल मंदिर पुराणो है, जिन्हें ये यूआईटी वाला तोड़ दियो अतिक्रमण हटाबा के लिए। सोखी साल के फैली अट्टे नंदी फाटी जो फैली गांव अड्डू उठ उठे फरो गयो,
इलिया हर नोरता में डूब जाने हुए है और बहुत पुरानी माता जी है। कल करीब पड़ी ना साढ़े तीन बजे जल सुबह मना कर दो तो तोड़ दियो हाँ रात के धरना बेटा मांगे 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 माता जी की जगह है जी के चार ही दीवार बना दो और पाँचों बना दो।